हेलो दोस्तों, आपने यह वीडियो खोला है, निश्चित ही आप कोई न कोई शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, ईटीटी, एनटीटी। सभी के अंदर ये माइक्रो और मैक्रो लेसन प्लान बनाए जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। ये प्रस्तावना कौशल या इसको पाठ प्रस्तावना कौशल भी कहते हैं। बिना कुछ देरी किए हुए मेन बात पे आते हैं कि ये प्लान कैसे बनाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, तो बस इसको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और लास्ट मोमेंट तक मेरी जिम्मेदारी है आपको इसको समझाना। अगर आपने बीच में वीडियो को स्किप किया, बीच में छोड़ दिया, तो फिर भाई आप जाने। तो पाठ प्रस्तावना कौशल आज पढ़ाने जा रहे हैं। ये फॉर्मेट इस तरह से बनाइएगा, डायरी पेन लेके बैठिएगा और सारी चीजें नोट कीजिएगा साथ साथ, इसमें आपको बहुत फायदा रहेगा। और जो मैक्रो के प्लान आप बनाएंगे बड़ी डायरी में, जो 30 मिनट 40 मिनट वाला जो प्लान बनेगा, वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बिना इसके उसमें काम चलने वाला नहीं है, तो इसको बड़े ध्यान से आराम से समझिएगा। एक नज़र प्लान पर डालते हैं कि ये प्लान किस तरह का होता है, फिर मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि ये कैसे बनाया जाता है और इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है। इसके लिए पहले जो जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते को समझना चाहिए। ये इसके घटक होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं, और ये कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं, आपके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं, एक तरह से एक पैमाना तैयार करते हैं कि आपके जो प्रश्न हैं प्रस्तावना के, वो किस तरह बनाने हैं, किस तरह पूछने हैं। तो इनको आप नोट कीजिए मेरे साथ साथ या स्क्रीनशॉट के लिए भी मैं अभी आपको टाइम दूंगा। तो पहला कंपोनेंट है इसका कथनों एवं प्रश्नों का छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो ये छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। कथन और प्रश्नों का मूल पाठ और उसके उद्देश्यों से संबंध होना चाहिए। विचार कथन प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, एक दूसरे से कनेक्टेड भी होने चाहिए। पाठ उद्देश्य एवं छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरण और साधनों का चयन और प्रयोग भी हो, मतलब उपयुक्त उपकरण भी होंगे, साधन भी होंगे, छात्रों के अनुसार, पाठ के उद्देश्य के अनुसार। आप टीचिंग एड भी साफ इसमें यूज कर सकते हैं। उपयुक्त एवं उचित अवधि विस्तार, जैसे हमारा 6 मिनट का टाइम है तो 6 मिनट ही रखेंगे, नहीं है पाठ प्रस्तावना इतनी लंबी कर दी जाए जो देर हो जाए और छात्रों का जो ध्यान है और जो उनका इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो उस चीज को भी ध्यान रखना है, प्लस छात्र ध्यान और रुचि को जागृत भी करना है, उनका ध्यान भी रखना है, जागृत भी करना है, छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता भी होगी और अध्यापक में उत्साह और सजगता भी होगी। तो ये है इसके कंपोनेंट्स, और ये लीजिए इनका स्क्रीनशॉट आराम से। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वे ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही कंपोनेंट इंग्लिश में दिए जा रहे हैं। प्लान आप स्वयं समझ लीजिए और बना अपने आप लेने। मैं आपको इस तरह से समझा दूंगा, किसी भी विषय का, किसी भी टॉपिक का, कभी भी आप इंट्रोडक्शन स्किल के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। तो देखिएगा, ये प्रस्तावना कौशल है, प्रस्तावना के प्रश्न निकालने हैं। प्रस्तावना के प्रश्न निकालने में छात्रों को थोड़ी परेशानी सी होती है, ये बड़ा मुश्किल सा स्किल है, लेकिन है बहुत सरल। समझ नहीं पाते हैं, या मैं ये कहूँ कोई समझा नहीं पाता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो आप आज आपको पक्का समझ आने वाला है। अब देखिएगा, जब तक मैं समझाता रहूं तब तक आप समझते रहिए वीडियो के लिए, 10 मिनट में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मापन टॉपिक आपको पढ़ाना है फिजिकल साइंस में, फिजिक्स में, और 6 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना प्रश्न के लिए। अब देखिए आप किस तरह से छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछते हैं छात्रों के साथ। बच्चों, आप स्कूल ड्रेस सिलवाने किसके पास जाते हैं? दर्जी के पास। दर्जी आपका नाप कैसे लेता है? नाप कर, ठीक। नापने के लिए वहां किस वस्तु की आवश्यकता होती है? इंच टेप की। आगे देखें, इंच टेप से हम क्या नापते हैं? लंबाई चौड़ाई, बिल्कुल ठीक आ रहा है। लंबाई चौड़ाई यह किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, किस चीज के लिए प्रयुक्त होते हैं, यहां आकर छात्र निरुत्तर हो जाते हैं।
जरूरी नहीं है छात्र निरुत्तर होंगे, छात्र जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा, ये पांच प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये चार प्रश्न तक कहीं कोई मापन शब्द या मापने का शब्द आया? बच्चों को भी पता तो नहीं है कि क्या पढ़ाया जाना है। पहले आपने पूछ लिया कि ड्रेस सिलवाने कहाँ जाते हो, नाप कैसे लेता है, उसके लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, इंची टेप से क्या नापते हैं, और ये लंबाई चौड़ाई या किसके लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, यहां तक आप समझ गए इतना? आप मापन पढ़ाने जा रहे हैं और छात्रों को यहां लास्ट क्वेश्चन पे आके ये पता नहीं चल पा रहा है कि आगे मापन वाली चीज क्या है। तब आप देखिए फिर क्या करना है कि लंबाई चौड़ाई का प्रयोग मापने के लिए होता है। ठीक, और इतना बोलने के बाद फिर आपको ब्लैक बोर्ड पर मुड़ना है और ब्लैक बोर्ड पर जहां आपने टॉपिक लिखा हुआ है वहां पर आप लिखेंगे, छात्रों आज हम मापन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स वहां लिखेंगे टॉपिक के सामने, स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मेजरमेंट। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले अपने आप इस प्लान को तैयार कर सकते हैं। अभी आपको फिर समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हो सकता है कम समझ आया होगा। देखिए ये है चैप्टर आपका मापन का, ये है चैप्टर मापन का, इसको आप पढ़ाने जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि आपको पूर्व ज्ञान से प्रीवियस नॉलेज के प्रश्न पूछने हैं। तो प्रीवियस नॉलेज कहाँ होगी? इसके पीछे। और पीछे जाने के लिए बस आप यहां से उनके थोड़े से बैकग्राउंड में जाइए, जितना बच्चे समझते हो जानते हो। एक प्रश्न पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, चौथा पूछा और पांचवें प्रश्न पे आप यहां तक आ गए हैं टॉपिक पर। आप ऐसा कभी ना करें कि आप मापन ही पढ़ाने जा रहे हैं और मापन में से ही पूछने लग जाएं प्रश्न, तो ये पाठ प्रस्तावना नहीं होगी। ये पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं, प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन होने चाहिए इसके अंदर, छात्रों के पूर्व ज्ञान के। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज से हो। दोबारा फिर समझ लो, जिस पाठ को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ में से प्रश्न न पूछ के बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछते हुए उस चैप्टर तक पहुंचना है, और उसके बाद फिर आप आराम से विस्तृत डिटेल स्टडी के साथ पाठ को पढ़ाइए। तो पूर्व ज्ञान के प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको? ये वीडियो हो सकता है एक दो मिनट बड़ा हो जाए, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना जरूरी है। अब मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि कथनों और प्रश्नों का छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंध, अभी अभी देखा आपने जो मैंने पांच प्रश्न कराए हैं, कथनों और प्रश्नों का मूल पाठ और उसके उद्देश्य से संबंध, ये भी था जी। विचारों कथनों प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, ये भी थी। पाठ उद्देश्य, छात्र स्तर के उपयुक्त तो उपकरण साधनों का चयन प्रयोग, ये भी था अभी आपने देखा। उपयुक्त उचित अवधि विस्तार, चार पांच प्रश्न थे, बिल्कुल ठीक। छात्रों का ध्यान रुचि जागृत हुआ, क्योंकि हमने बच्चों के लेवल से ही प्रश्न पूछे कि कपड़े सिलवाने कहाँ जाते हैं। छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता, ये भी थी। और अध्यापक में उत्साह और सजगता, ये भी था। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपोनेंट के बाद फिर एक बार दोबारा से समझिए, मापन पाठ पढ़ाने जा रहे हैं और मापन से प्रीवियस नॉलेज के आप प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन बस मापन ही थोड़ी देर बाद आना चाहिए, मापन पहले में ही नहीं आ जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। बच्चों आप स्कूल ड्रेस सिलवाने किसके पास जाते हैं? दर्जी के पास जाते हैं। ठीक है, दर्जी आपका नाप कैसे लेता है? नाप कर लेता है जी। किस वस्तु की आवश्यकता होती है नापने के लिए? इंच टेप की। और इंच टेप को से हम क्या नापते हैं? लंबाई और चौड़ाई। और लंबाई चौड़ाई या किसके लिए प्रयुक्त होती है? छात्र वहां शांत भी हो सकते हैं और कुछ आपको जवाब भी दे सकते हैं। उस कंडीशन में फिर आपने स्पष्टीकरण देना है कि लंबाई चौड़ाई का प्रयोग मापने के लिए होता है, और उद्देश्य कथन में छात्रों आज हम मापन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा पाठ तैयार हो जाएगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पूरी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन अभी ठहरिए। ये पाठ प्रस्तावना से या हर स्किल से संबंधित ये टैलीज कुछ लगाई जाती है। मैं टैलीज का आपके और बता दूं, जैसे है कथन और प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध जो आपने अभी देखा। तो ये जो इधर कंपोनेंट लिखा हुआ है, इधर हमारे प्रश्न लिखे हुए एक पेज पर,
तो जितनी बार इस कंपोनेंट का इधर हमने यूज किया है उतना ही टैली यहां लग जाएगा। जैसे ये पहला वाला कथन है, पहला वाला सॉरी कंपोनेंट है, तो इसका 1 2 3 4 5 बार हमने इसको यूज किया है, और इसमें 1 2 3 4 और ये 5, ये नहीं है, तो 5 बार इसको यूज किया है। उसी तरह से इसके रेटिंग स्केल में जाएंगे हम, तो 5 और 6 वाले में, सर्वोत्तम वाले में इसको टिक कर देंगे। इसी तरह से इधर वाले सबका लगना है, हालांकि इसका अलग से वीडियो भी आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज, मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, माइक्रो मैक्रो के लेसन प्लान वीडियो, सॉरी बीएड बीटीसी, इससे संबंधित सभी कुछ वीडियोस हैं, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो आप कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक ही वीडियो पर, एक ही चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो मिलते रहिए, देखते रहिए अलग अलग प्लेलिस्ट को, और अपना अपना टॉपिक उसमें से देखिएगा और पढ़िएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।